तो अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी कटक की, जहां पर पीएम मोदी अस्पताल जो है वो अब पहुंच रहे हैं, जहां पर जो घायल हैं इस रेल हादसे के उनको उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। तो पीएम अब यहां पर इन घायलों से मिलेंगे, इनका हालचाल जो है वो पूछेंगे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें उस जगह की भी दिखाई जहाँ पर पीएम मोदी जो है वो पहुँचे थे, उस जगह पर जहाँ पर ये हादसा जो है वो हुआ था, जहाँ की तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरह से ये तीन ट्रेनें हैं ये हादसे का शिकार हुई थी। और इसके अंदर इस हादसे की दुर्घटना के बाद जो है वो 261 लोगों की यहाँ पर जान चली गई और 900 लोग इसमें घायल हुए, जिनको उपचार के लिए अलग अलग जगहों पर अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। और उनमें से एक अस्पताल पीएम मोदी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं कटक में, जहाँ पर वो इन घायलों से मुलाकात करेंगे। तो पीएम मोदी खुद इस रेल हादसे के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया, आज उन्होंने एक बैठक भी इसको लेकर की इस हादसे को लेकर, और उसके बाद खुद वो यहाँ पर आए उस जगह पर जहाँ पर ये ट्रेनें जो है वो टकराई थी आपस में, और उसके बाद अब ये उस जगह पर जा रहे हैं पीएम, जहाँ पर जो घायल हैं उनको दाखिल कराया गया है। और जो रेल मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, इस जगह का जायज़ा उन्होंने लिया था, और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो इस वक्त तक कोशिश है वो ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए, और जो घायल हैं उनको तुरंत उपचार जो है वो उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनको जल्द से जल्द जो ज़रूरत है इस वक्त की, सब जिनको चोटें लगी हैं उनको इलाज जो है वो मिल सके जल्द से जल्द। तो इसलिए कोशिश ये की गई, और जो जैसे कि हमने आपको बताया 900 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं इस रेल हादसे में, जिनको अलग अलग जगहों पर दाखिल कराया गया है अस्पताल में, जिसमें से कुछ लोग बताया जा रहा है कि जिनको गंभीर चोट भी लगी है और कुछ लोगों को हल्की चोटें भी लगी हैं, तो इनको इलाज जो है वो मिल सके इसलिए अस्पताल इनको ले जाया गया। और अब पीएम मोदी यहाँ पर इस अस्पताल में पहुँच रहे हैं जहाँ पर घायलों को रखा गया है। अखिलेश जी, पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले वो एक्सीडेंट वाली जगह का उन्होंने जायजा लिया, अब वो अस्पताल यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कोशिश यही है कि इस बात पर नज़र रखी जाए कि लोगों को जो इस वक्त की ज़रूरत है, जो उपचार की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द यहाँ पर मुहैया कराया जाए। निश्चित तौर पर, और अब से कुछ देर पहले जो बालासोर में जहाँ दुर्घटना हुई है उसका दौरा किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, वहीं से उन्होंने जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनसे फोन पर बात की, साथ ही जो स्वास्थ्य सचिव है, स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी उन्होंने फोन पर बात की और उनको निर्देश दिया कि हर तरह की जो मदद है उसको मुहैया कराया जाए जो लोग घायल हुए हैं, साथ ही उनके परिवार वालों को। उन्होंने ये भी कहा कि जिन परिवारों ने अपना खो दिया है उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए तमाम तरह के जो इंतजाम जो भी जरूरी हो वो किए जाने चाहिए, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनका आने की व्यवस्था की जाए, जो पार्थिव शरीर है उसको देने में देरी नहीं होनी चाहिए, उनको वहां तक पहुंचाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और साथ ही जो मदद जिसका ऐलान किया गया है वो भी सुनिश्चित की जाए। ये तमाम निर्देश दिए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से। उन्होंने ये कहा है कि जो अप्रोच है वो इस संकट से निपटने के लिए पूरी सरकार की होनी चाहिए, सारी सरकारें जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब एक ऊपर से नीचे तक एक सुर में एक साथ कदम ताल करते हुए काम करें, ताकि किसी भी तरह का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन में कमी ना हो, और इस समस्या से ये जो एक त्रासदी आई है, बहुत बड़ी आपदा आई है, इससे निपटने में कामयाबी मिल सके, इसके लिए उन्होंने विस्तृत निर्देश दिए हैं। और उसके बाद बालासोर से वो निकल गए थे कटक के लिए, कटक में वो अस्पताल में पहुंच गए हैं जहां पर कि घायलों को भर्ती कराया गया है। जैसा आपने बताया है कि 900 से भी अधिक व्यक्ति जो है वो घायल हुए हैं कल रात की दुर्घटना में, उनको पर्याप्त इलाज उनका हो सके, उनको तमाम सुविधाएं मिल सके, उन्हें किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई बहुत गंभीर रूप से घायल है अगर उसको किसी और ऊपर के इलाज की जरूरत हो तो वहां पे उसको भेजा जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं भी करने का निर्देश लगातार दिया जा रहा है। इस पूरे दुर्घटना में हमने देखा है कल रात से ही आज दिन तक भी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कहीं कोई दिक्कत ना आए, तमाम व्यवस्था हो सके, सुचारू ढंग से ये राहत का कार्य चल सके, इसका ये सुनिश्चित करने का निर्देश भी पीएम मोदी की ओर से दिया गया है। कल रात की भी उनकी रेल मंत्री से फोन पर बात हुई थी और सुबह आज अश्विनी वैष्णव वहां दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। इसी तरह आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने निवास स्थान पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें इस हादसे की समीक्षा की गई। उस बैठक में
गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। वहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया कि ये दुर्घटना किस तरह हुई, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं और इस दुर्घटना का कितना बड़ा जो है आकार है, कितनी बड़ी जो दुर्घटना है, इस बारे में भी पीएम मोदी को बताया गया। उसके बाद उन्होंने वहां जाने का फैसला किया और अब से कुछ देर पहले वे बालासोर पहुंचे थे और अब वो कटक में पहुंचे हैं जहां पर कि अस्पताल का दौरा करके घायलों का हालचाल जान रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर अखिलेश जी रेल मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव भी उनको बता रहे हैं सब के बारे में किस तरह से जो है यहाँ पर ये रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को जो है वो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। जी हाँ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह ही यहाँ बालासोर पहुंच गए थे। जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें दरअसल गोवा जाना था, वो गोवा का कार्यक्रम जो बीच में रद्द करके यहाँ बालासोर आए। आज सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस, जो गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होती, उसके उद्घाटन का कार्यक्रम था, लेकिन इस त्रासदी के चलते उस कार्यक्रम को रद्द किया गया और अश्विनी वैष्णव यहाँ सुबह ही पहुंच गए थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी कल रात को कंट्रोल रूम में गए थे और आज सुबह यहाँ दुर्घटना स्थल पर आए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और नवीन पटनायक दोनों ने यहाँ पर दुर्घटना स्थल का दौरा किया था। जोर इसी बात पर है रेल मंत्री का, राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कि जो भी घायल है उनको पूरा इलाज दिया जाए, समुचित व्यवस्था उसकी की जाए ताकि कहीं भी किस तरह कोई कोताही ना हो और इलाज ना होने के कारण किसी को परेशानी ना हो, तो इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो खुद उड़ीसा से आते हैं वो भी कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन उतरते उन्हें जब जानकारी मिली तो उन्होंने उड़ीसा आने का फैसला किया, वो भी आज सुबह यहाँ बालासोर आ गए थे। आप इन दौरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी के साथ अश्विनी वैष्णव भी हैं और धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, तो केंद्रीय दोनों मंत्री यहाँ के मौजूद हैं और साथ ही पीएम मोदी भी यहाँ पहुंच गए हैं। राज्य सरकार भी अपनी ओर से पूरा इंतजाम कर रही है और जैसा हमने रिपोर्ट किया कि बालासोर के दुर्घटना स्थल से ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव को और स्वास्थ्य मंत्री को फोन किया था और उन्हें निर्देश दिया था कि जितने भी घायल हैं उनके परिवार वाले हैं उन्हें हर संभव मदद दी जाए। आपको ये बता दें कि कल रात को ही रेल मंत्री की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया था, जो गंभीर रूप से घायल उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया और जो मामूली रूप से जख्मी उनको 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। इसमें उड़ीसा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें वो भी इस काम में जुटी हुई हैं। तमिलनाडु सरकार भी लगातार इस व्यवस्था में लगी हुई है कि जो लोग बचे हैं, जो तमिलनाडु पहुंचे हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए। इसी तरह पश्चिम बंगाल सरकार भी इस पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो सारे इंतजाम वहां पर कर रही है, देख रही है, क्योंकि जो अधिकांश परिवार वाले हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं। ये जो ट्रेन है कोरामंडल, ये अमूमन इलाज के लिए ऐसे लोग जो दक्षिण भारत की ओर यात्रा करते हैं वो इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और पूर्व से दक्षिण को जोड़ने वाला ये जो पूरा रूट है ये प्रभावित हुआ है इस बड़ी दुर्घटना के कारण। तो अब रेल मंत्रालय ये भी कोशिश कर रहा है कि इसको दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ पर जो आवागमन है रेलों का उनको बहाल किया जा सके। बिल्कुल अखिलेश जी, क्योंकि जो रूट है जिसके बारे में आप भी बता रहे थे ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता भी है जहाँ से इन ट्रेनों की आवाजाही होती है। और आपसे थोड़ी देर पहले आप ये भी बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को भी, लोगों के जहन में भी है कितना बड़ा यह हादसा है और वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जिन अस्पतालों में घायलों को रखा गया है वहां वो पहुंच रहे हैं जो है ब्लड डोनेट करने के लिए। यहाँ जो कल से आज सुबह तक हमें जानकारी मिली है, कटक, बालासोर और भद्रक के जो तमाम अस्पताल है वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों का वो बड़ी संख्या में वहां आए, सैकड़ों की तादाद में, और उनकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से जो ब्लड है वो डोनेट किया जाए, रक्तदान करके अगर उनके खून के कतरे से भी किसी की जान बच सके, काम आ सके, तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। इस भावना के साथ सैकड़ों लोग कई कई घंटे वहां पर कतारों में लगे रहे। जो बताया गया हमें कि करीब 3000 यूनिट जो है ब्लड की वो एकत्रित की गई है ताकि जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, अगर उन्हें रक्त की आवश्यकता है तो वो रक्त उन्हें चढ़ाया जा सके। तो इसके लिए स्थानीय लोगों ने भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो अपनी ओर से रक्तदान किया। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का राहत कोष है उसमें भी आम लोग बड़ी संख्या में अपनी ओर से डोनेशन कर रहे हैं ताकि जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनके परिवार वालों को मदद दी जा सके। और इस संकट में, इस त्रासदी के समय सारी जो मानवता है वो एकजुट होने का संदेश दे रही है। सारे लोग अपने सभी बातों को भुला करके इस बात पर सबसे ज्यादा आगे आए हैं कि किसी भी तरह से उनकी ओर से अगर छोटी से छोटी मदद भी हो सके किसी की तो उसके लिए वो अपने आप को धन्य मानेंगे। और यही कारण है कि हमने देखा है कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है
उन लोग न केवल रक्तदान कर रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री आपदा कोष में, प्रधानमंत्री आपदा कोष में भी अपनी ओर से डोनेशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप रहिए हमारे साथ, पीएम की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो अस्पताल भी यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर वो घायलों से बात भी करेंगे।